चाहिए, हमारे जनतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कैमरे के अंदर पकड़े गए, अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते होंगे, है कि नहीं है? पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्ता के लिए देश को भी बेच सकते हैं, सत्ता के लिए देश को भी दाम पे लगा सकते हैं। दोस्तों, हम ये कभी नहीं होने देंगे, अपने देश के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे, अपने जनतंत्र के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे। आज पूरे दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से इतनी जनता आ रही थी यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए, सबको रोक दिया इन्होंने, पूरी दिल्ली को छावनी बना रखा है। क्यों भाई, क्यों भाई? आप जनता को कैसे आने से रोक सकते हो? कोई हिंसा करने के लिए थोड़ी आ रहे थे? हमारी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। आपको क्या लगता है जनता को ऐसे रोक दोगे तो जनता की आवाज बंद हो जाएगी? और जनता की आवाज बुलंद होगी, जितना जनता को रोकने की कोशिश करोगे जनता की आवाज और उतनी बुलंद होगी। जगह जगह से खबर आ रही है हमारे एमएलएस को जेल में डाल दिया, हमारे काउंसलर्स को जेल में डाल दिया, हमारे वॉलंटियर्स को जेल में डाल दिया, जो जनता आ रही थी उनको जेल में डाल दिया। ये तो कोई ठीक बात नहीं है, ये तो गलत बात है। तो दोस्तों, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज इस मंच से मैं देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि जो आप वोट डाल के आते हो, आप तो सोचते हो मैंने इसको वोट डाला, लेकिन उसके बाद आपके वोट का क्या होता कुछ नहीं पता। मशीन के अंदर आप बटन किसी का दबाते हो, वोट किसी के खाते में जाता है, किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। वो दोस्तों, अगर जनतंत्र खतरे में पड़ जाएगा तो फिर ये वोट का, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी है। किसी भी हालत में हमें जनतंत्र को मरने नहीं देना, देश के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना। अब हम शांतिपूर्वक तरीके से, कोई गड़बड़ नहीं करनी, शांतिपूर्वक तरीके से बीजेपी के हेडक्वार्टर की तरफ चलेंगे। जहां पुलिस रोकेगी वहीं रुक जाएंगे। हमें पुलिस के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना है। भारत माता की। अब हम यहीं से आगे प्रोसेशन करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप लोग, आप एक बार ये व्यवस्था बना लीजिए पहले।